Hi guys, good evening. कैसे आप लोग? My name is Narendra Kumar and this is our channel Unacademy Studios Vault. और ये vocab series है, the vocabulary show. And मैं कोई हाय आलोक कुमार, दीपिका वेरा, हेलो शानू जी, निर्मला माला, स्वाति सिन्हा, हेलो गाइस, प्लीज़ चेक इफ द वीडियो इज़ फाइन एंड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम विद द वीडियो. ठीक है, इन्फॉर्म ऑल द गाइस टू रिफ्रेश. ओके ओके, हो सकता है मैं नोट ना कर पाऊँ, मुझे पता ना चले, और अगर वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा रिफ्रेश करवा देना बच्चों से. थैंक यू कुमार शानू. ठीक है, आप सबको गाइड कर देना. ऑल राइट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग. यू आर फ्रॉम सिक्किम, हेलो ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंडिया, वेलकम टू माई क्लास, इन्वाइट एवरी वन. चलो गाइज, तो आई होप यू आर फॉलोइंग ऑल द एजुकेटर्स एंड आई एम श्योर आपके पास अनअकैडमी ऐप है. ऑन दिस ऐप यू विल फाइंड फ्री क्लासेस ऑफ एजुकेटर्स, वी कॉल देम स्पेशल क्लासेस. एंड जितने भी आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं, ऑल दोज गाइज आर टीचिंग ऑन अनअकैडमी प्लस, दैट इज द पेड प्रोग्राम. So you should subscribe to Unacademy Plus for basic understanding, advanced level understanding, systematic learning. Okay? जो learning जो हम सबको करनी चाहिए वो हमारी life से वो missing है. हम पहले पढ़ के आए, बट जरूरी नहीं है कि वो हमने सही पढ़ा हो, आधा अधूरा पढ़ा है. आधा अधूरा इश्क चाहिए आपको या फिर पूरा इश्क चाहिए, undivided इश्क, आप बताना. ठीक है, जिनको पूरा का पूरा इश्क चाहिए इंग्लिश से, वो लोग नरेन लाइव कूपन कोड यूज़ करो और प्लस पे आ जाओ. अभी क्लास चल रहा है, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू बी लाइव विद मी. ओके, जब लाइव होते तो आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हो. ऑल राइट, आप ऑफलाइन भी देख सकते हो. हेलो हेलो एवरीवन. ठीक है, सो दिस इज और वन ईयर के लिए सब्सक्राइब करना. ऑल राइट, सो दैट सारे एग्ज़ाम कवर हो जाए. ऑल राइट, RBI, SBI, एनी एग्ज़ाम. और क्विक इन्फॉर्मेशन, मेरे जो जो कोर्सेस हैं वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए हैं. बस कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ मैं, ट्रिक्स बताता हूँ, जाओ और कहीं भी लगाओ. ठीक, चलो लेट्स क्रैक इट. हेलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गो फॉर इट गाइज एवरीवन. चलो, ये सारी कहानी आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के लिए हमारा. चलो, किसी न किसी फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा. पार्टिसिपेट करो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. अगेन, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो भी कराऊंगा, ये प्रैक्टिस के लिए है बस, आपका आपकी प्रैक्टिस के लिए. हेलो, तो कंजुगेशन जानते हो, जॉइनिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, द स्टेट और कंडीशन ऑफ बींग ज्वाइंट टुगेदर. चलो ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, रिकवर, बताओ इसका क्या होगा. टू रिगेन, टू यूनाइट, ये तो सिंपल है, सब लोग बताओ. रिगेन, रिगेन कॉन्शियसनेस, फिर वापस कॉन्शियसनेस आ गई, तो रिकवर सिंपल वर्ड है. चलो नेक्स्ट देखो, हाँ ये नया वर्ड है आप सबके लिए, सब लोग देखो क्विकली, बस आंसर करते जाओ. सिंपल वर्ड होगा, मैं इसको बहुत क्विकली इग्नोर कर दूंगा, ठीक है ना. और टेढ़ा वर्ड होगा, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. हाँ भाई, सब लोग आ जाओ. हाँ, प्रतीक्षा रावत, हाय वेलकम टू द क्लास. तो PIQUE, पिकू, कैसे भी याद रख लो. तो याद रखना, इरिटेट कर देना, अनॉय, लिखो सब लोग PIQUE, इरिटेशन, अनॉयंस, किसी को एंगर, गुस्सा कर देना किसी को. तो कौन सा हो रहा है, ये वाला, टू एक्साइट अ स्लाइट डिग्री ऑफ एंगर इन, किसी के अंदर थोड़ा सा गुस्सा कर देना इज PIQUE. ऑलराइट, नेक्स्ट सेपरेट न्यू वर्ड फॉर यू. सर आई एम ऑन. हाई सुमन, वेलकम टू द क्लास, नाउ पार्टिसिपेट, इन्वाइट ऑल योर फ्रेंड्स. हेलो एवरीवन,
share the session and invite everyone. Sapid, new word for you, लिख लो, ठीक है? Awesome taste, pleasing, pleasing, pleasing मतलब आपको खुश करने वाला taste. You had something, you're like, love it, taste, okay? Awesome taste, pleasing, good taste. Hello, आलोक कुमार, good evening, good evening. बताओ क्या होगा इसका? Something that is interesting, tasty. Good taste. बताओ क्या हो सकता है? लिखो सब लोग separate. Very interesting, awesome, good taste. लिख लिया सबने? चलो आंसर बताओ. हेलो, जल्दी से पार्टिसिपेट कर दो. All right. All right. हाँ तो आपने सही किया. Affect the sense of यार taste वाला यही है. Desire now. General officer who commands now to withdraw from union. No. Taste वाला. Clear? Next देखो. Granulate. This is the opportunity to learn something new. Okay? Sab log likhte jao. Maggie Saget, welcome to the class. Granulate. ठीक है, ग्रैंचुलेट मतलब किसी चोट को देखो, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनका पाउडर बना दो कूट कूट के. समझ गया कि नहीं? छोटा छोटा सा उनका पाउडर बना देना. चलो बता कौन सा होगा. क्रश कर देना. टू फॉर्म इनटू ग्रेन्स और स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, छोटा बड़े पत्थर को छोटा छोटा कर देना, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में. ये वाला फॉर्म इनटू ग्रेन्स और स्मॉल पार्टिकल्स. हे, तुमसे कुछ ऐसा. राहुल पटेल, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छी शायरी. चलो अभी इधर आ जाओ, ये वोकैबुलरी ट्राई करो, लिख लो, काम आएगा. एक दिन अंग्रेजी वाले कभी बन जाओगे, अब हिंदी वाले तो अब बन गए हो. अच्छा सुनो, एरुडाइट पर्सन जानते हो, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी नॉलेजेबल पर्सन. बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे शायद एरुडाइट. चलो नेक्स्ट देखो. वोरेशियस. हे, वोरेशियस जानते हो, ग्रीडी, लालची, हैविंग अ लॉट ऑफ इट. खाना खा रहा है तो बहुत खा रहा है, कुछ पढ़ रहा है, रीडिंग न्यूज़पेपर और मैगजीन और नोबल तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, उसके अंदर ग्रीड है. अब इट कुड बी ग्रीड ऑफ एनी थिंग, वोरेशियस. ओके, ग्रीडी ऑफ फूड, ऑफ मनी, ओके, ऑफ नॉलेज. क्लियर? वोरेशियस. आई एम अ वोरेशियस रीडर, मीन्स मैं बहुत ज्यादा रीड करता हूं. गॉट इट? लिख लो सब लोग. हाँ ये वाला करेक्ट हो गया ना, डी वाला. हेलो, आप सबको ये वाला पता है, ग्लूटन, बहुत ज्यादा खाने वाला ग्लूटन. नेक्स्ट देखो, स्पेशलाइज, ये तो आप जानते होंगे. गाइस जो जो आते जा रहा है लाइक करते जाना. यस आकाश सिंह, यस हेलो, हाय स्वाति, राहुल पटेल, वेलकम टू द क्लास. स्पेशलाइज तो सिंपल वर्ड है. आगे बढ़ो. टू अज्यूम एन इंडिविजुअल स्पेसिफिक कैरेक्टर और अडॉप्ट अ सिंगुलर स्पेसिफिक कोर्स, स्पेशलाइज. ये तो छोटी सी बात है, आगे बढ़ते हैं. हाँ, न्यू वर्ड फॉर यू, इंटरेस्टिंग वर्ड फॉर यू, एक्सक्रीशन. गो फॉर इट, एक्सक्रीशन, गो फॉर इट गाइज. चलते जाओ. बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो भी होता है. फिर यही वाला होगा ना. हाँ सही, सब ने सही करा है. ऑल राइट, ठीक है. बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है डेली, एक नंबर दो नंबर करते हैं ना सब लोग, समझ गया. एक्सक्रीशन, द गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट मैटर. आपकी लाइफ में वेस्ट लोग हैं, खराब के लोग हैं, एक्सक्रीशन कर देना, भगा देना उनको. हेलो, नेक्स्ट. प्लूटोक्रेसी, क्रेसी, प्लूटो, रिच.
the rule by the rich. Pluto, rich people, rich guys, noblemen. Or crazy, rule karna. Do root word hai. Hello. Keep going, share karte jao. Hello. Dharmu bhai SBI. Hi Dharmu. Okay, I think you are Dharmendra, right? From offline classes. Hi. Welcome to the class. Thank you for being here. Invite all your friends. Rahul Patel. Secret bata do main. A wealthy class in political community who controlled. Ye shiny lag raha hai kya? Let me check. Camera hides everything. Camera makes it shiny. I don't know. It's a good camera, I think. Panasonic. Good camera. Okay. So, thank you, by the way. And I thought it looks bad. By the way, these are grey hairs. Shh, don't tell anyone. White hair hai, jo kya chamak rahe. Kisi ko batana mat. Chalo. Chalo. Idhar aao, to political yoga. Next. Hey, wantonness. Wantonness. Animesh Kumar Upadhyay, hi, welcome to the class, guys. Hi, Hina, Shikha, Kumar, Shanu, Neha, Kumari, hello. Ab suno, WA and wantonness means reckless behavior, matlab rash behavior, not thinking much. Likh lo sab log, not thinking much, reckless, careless. Theek hai na, ye wala. Out of moment, jo man mein aaya wo kar diya, wantonness. Not thinking much. Clear? Likho, likho. हर नया वर्ड लिखो भाई इसलिए आप यहां पे हो चलो नेक्स्ट देखो प्रूरियंट यस धर्मो याद आ गया प्रतीक्षा रावत थैंक यू एंड यू आर 500th पर्सन टू कॉम्प्लीमेंट दिस वन ओके इससे पहले इतना लोग बोल चुके हैं हेलो सब लोग आ जाओ थैंक यू अच्छे से पढ़ो आई होप प्रतीक्षा आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे जिनके वो मैं हाईलाइट करता रहता हूँ यू नो ग्रामर वाले कंडीशनल सेंटेंस इन्वर्जन मॉडिफायर्स एंड देन न्यू पैटर्न इंग्लिश वाले चलो भाई थैंक यू अनिमेश आ जाओ तो नो प्रूरियंट इज अ पर्सन जो मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज या फिजिकल एक्टिविटी मतलब एनीथिंग उस तरह की चीज़ों में ज़्यादा रहता है एस बी आई पी ओ में उसका फोकस नहीं होता है दूसरी चीज़ों में ज़्यादा फोकस होता है दैट पर्सन इज प्रूरियंट राइट अब देख लो भाई कौन कौन है चलो तो पी आर यू आर आई एन टी हर वर्ड हमें पता होना चाहिए यू नेवर नो कि कब कहाँ क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स में आर सी में आ जाए राइट हाँ धर्मो भाई थैंक यू तो इंक्लाइन टू लेस विशियस ये वही एक्टिविटीज होती है फिजिकल एक्टिविटीज मेल फीमेल वाला थॉट्स एंड डिजायर्स सेक्सुअल एक्टिविटीज ये वाला बंदा चलो नेक्स्ट देखो इल्यूमिनेट नेक्स्ट देखो सब लोग आई डब्ल्यू एल यू एम आई अब हंसना नहीं है पढ़ लो भाई इल्यूमिनेट टू सप्लाई विद लाइट डिफरेंट टू कीप आंसर बैक टू लास्ट लॉन्गर देन चलो अब शेयर कर दो सबके साथ में प्लीज शेयर द सेशन इनवाइट मोर गाइज इल्यूमिनेट तो इल्यूमिनेशन लाइट से ही है ना इल्यूमिनाटी कोई जानता है उस फिनोमिना को इल्यूमिनाटी नेक्स्ट ए डब्ल्यू आर वाई अगेन छोटा सा वर्ड है बड़ा धमाका चलो
करो तो ए डब्ल्यू आर वाई समथिंग गोज एबनॉर्मल, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल रूट, एंड अगर कोई चीज इधर चली जाए वेंट और ए डब्ल्यू आर वाई टेढ़ा हो गया, ठीक है ना, नॉर्मल रूट से डिफरेंट हो गया, भटक गया, रॉन्ग, डब्ल्यू आर एन जी लिख लो, सिंपल मीनिंग ए डब्ल्यू आर रॉन्ग, इनकरेक्ट, डिसऑर्डर, लिख लिया सबने? नो, सेल्फ एस्टीम कौन कर रहा है, चलो सब लोग आ जाओ क्विकली। अरे एक वर्ड तो बहुत अच्छा मिल गया, इसको तो इतना ज़्यादा पूछा गया है, नो आइडिया, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, बफरिंग हो रहा है गाइज, इज इट बफरिंग, अगर बफरिंग हो तो प्लीज हेलो, अगर बफरिंग होता है तो रिफ्रेश करना अपने आप, डोंट लीव द क्लास, एक दो में एक मिनट में ठीक हो जाएगा अपने आप, ओके okay? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लियर गाइज आ जाओ, और ही तो समझ गया मतलब समथिंग अनयूजुअल, डिफरेंट, गलत, रॉन्ग, हटके, प्लान ये किया था हो ये गया, क्लियर, चलो तो आउट ऑफ प्रॉपर फॉर्म डायरेक्शन पोजीशन, गलत पोजीशन में, गलत डायरेक्शन में चला गया, चलो अब ये वाली बात है लेबिरिंथ, बहुत पॉपुलर एग्जाम वर्ड है, हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम इसको पूछता है लेबिरिंथ, तो लेबिरिंथ क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, देखो मैं आपको ऐसे रूट ये मैंने बना दिया, याद है आपको न्यूज़पेपर में गेम देखा होगा, ये रही क्या नाम है, ये एक टर्टल है, टर्टल है और इसका ये वाला इसका घर है, यहाँ भेजना है, तो याद है यूं 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 करके ऐसे 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 जाते थे और ऐसे ऐसे आपको लेके आना था, रिमेंबर, तो लेबिरिंथ मतलब एनीथिंग, एनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दैट इज लेबिरिंथ, आई होप यू विल रिमेंबर नाउ, मैंने एक टॉर्टोइज को उसके घर पहुँचाने वाला फिगर भी बना दिया, विल यू कीप इन माइंड labyrinth, it any complex structure. Hello. Why so serious? Welcome to the class. Let's laugh, not be serious. भूल भुलैया, ठीक है, तो सब ने इसको समझ ही लिया है, लेकिन फिर भी इसका मीनिंग लिख लो, ये भी आ गया, क्या मीनिंग लिख लो, puzzled. All right. Next. Counter claim. बनारस की गलियाँ ऐसी हैं. Okay. So you are from Banaras. चलो गाइस, हेलो, दिस लुक सिंपल, गो फॉर इट, टू सेकेंड, काउंटर क्लेम, ये तो ए ही होगा ना, सिंपल है, काउंटर आपने क्लेम किया, उन्होंने काउंटर क्लेम किया, तो ए करेक्ट आंसर है, लेट्स मूव ऑन, पीटर, अमन सरस्वत, हाय अमन, थैंक यू, मेक श्योर यू गो टू माई प्ले लिस्ट एंड वॉच माई 3 month ओल्ड वीडियोज, ओके, एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, इट विल चेंज एवरीथिंग, थैंक यू अमन, थैंक यू फॉर बींग हियर, पीटर, पीटर इंग्लैंड एक ब्रांड है ना, केविन पीटरसन, नाउ तो सुनो, पीटर का मतलब होता है समथिंग दैट फेड्स अवे, स्लोली 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 सब कुछ गायब हो जाना, पीटर, कलर फेड हो गया इसका, समझ गया, तो चलो कहाँ होगा, चेक करो, प्रभात निगम, अमन मेक श्योर यू डू दैट, ओके, हाँ पीटर पार्कर, यस, हाय प्रभात निगम, वेलकम टू द क्लास, आंसर बताओ सब लोग, अच्छा एक बात बताओ, बी में कितना अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, ट्रस्ट में, बहुत ही अच्छा खूबसूरत वर्ड लिखा हुआ है, सब लोग आ जाओ, मैंने तो पता चल गया, टू फेल और लूज पावर इफिशिएंसी वैल्यू, किसी की वैल्यू खत्म होगी, पीटर, पावर खत्म होगी, पीटर, समझ गया, ऑलराइट, अब ये देखो, इंजनस, आई एन जी ई एन यू एस, बहुत पावरफुल वर्ड है, कॉमन वर्ड है, एवरीडे लैंग्वेज का वर्ड है, एग्जामिनर का फेवरेट है, एस एस सी सी डी एस बैंक हर जगह दिख जाता है, तो क्या करें, तो इंजनस मतलब अ पर्सन जो बहुत सीधा साधा पर्सन है, ठीक है ना, नईव, नईव सुना है आप लोगों ने, सीधा साधा, एन ए आई आई वी ई, नईव पर दो बिंदी लगी रहती है, किसी ने नोटिस किया है, देयर आर टू डॉट्स ऑन आई,
पता है क्यों है? किसी ने कभी क्वेश्चन करने की कोशिश करी है? इट जस्ट टू गिव नाइब यू नो, ये हाईलाइट करने के लिए दो डाउट, दो डॉट रखे जाते हैं। तो आज के बाद कभी किसी वर्ड, किसी लेटर के ऊपर दो डॉट्स मिले, समझ जाना इट्स जस्ट फॉर द हाईलाइट, मिसप्रिंट नहीं है। ऑलराइट, इंजीनियर सीधा साधा अपने सिंपल भोला भाला। ऑलराइट, हेलो, ऑलराइट, नेक्स्ट देखो। अच्छा, एम्बुलेंस तो हम जानते ही हैं। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंपल वर्ड आ गया, पता नहीं क्यों यहाँ पे। नेक्स्ट देखो। अच्छा अगेन देखो, आई विल फोकस ऑन द डिफिकल्ट वर्ड्स और इंटरेस्टिंग वर्ड्स ओनली बिकॉज योर टाइम इज़ वैल्यूएबल। चलो, ये बहुत ही पावरफुल वर्ड है, लिखो लिखो लिखो, बार बार लिखो, सब लोग लिखो। सब लोग लिखो, इनंडेशन, सब लोग आ जाओ, बहुत पावरफुल है। प्रतीक्षा रावत, आपका आपका बुकेब अच्छा है, कीप इट अप, रूट वर्जन ऑल। कोई नहीं, अब शायरी मत करो, बच्चों को पढ़ने दो, पढ़ने दो बच्चों को भाई, ठीक है। तो इनंडेशन मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, एनीथिंग एक्सेसिव, वैसे फ्लड भी होता है पानी। इसके दो वर्ड हैं, सिनोनिम है, लिख लो, एग्जाम में आते हैं, टी ओ डबल आर ई एन टी, टॉरेंट। अब वो वाला टॉरेंट नहीं, हालांकि वो भी टॉरेंट पर, वहाँ पर फ्लड ही है, हर कुछ भरा पड़ा है, समझ गया। तो चलो, टॉरेंट मतलब फ्लड, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नॉलेज। एक दूसरा वर्ड है जो आपको याद रखना चाहिए, डी ई एल यू जी ई, डिल्यूज। इसका भी मतलब होता है एक साथ बहुत सारा पानी, बाढ़, इन्फॉर्मेशन, एनीथिंग, एनीथिंग दैट इज एक्सेसिव, एक्सेसिव इनंडेशन, फ्लड। विल यू कीप इन माइंड, सब ने लिख लिया। हेलो, हाँ अनीता कुमारी, ऑसम, कीप इट अप। जो भी नया बच्चा भी आया हुआ है, इस कमेंट को पढ़ो जो अनीता ने लिखा हुआ है, और आप भी इंस्पायर होकर पढ़ के आओ। इन बच्चों को जब कॉन्फिडेंस आ सकता है, आपको भी आ सकता है। यू नो थिंग्स फाइन, यू नेवर नो कि आपको नज़रिया बदल जाए और ज़्यादा सिंपलर चीज़ें हो जाएँ, ठीक है। तो यू शुड ट्राई ऑल माई वीडियोज, ऑड वन आउट, पैराग्राफ कम्प्लीशन, समरी ऑफ द पैराग्राफ। ऑलराइट, चलो, एमिनेंस, रीडिंग कॉम्पिटिशन और पैरा चंबल तो देखना ही देखना है, गो फॉर इट गाइज। हेलो, तो ये तो सिंपल वर्ड है, एमिनेंस। हाँ, मेरे को क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने सोचा हुआ है ये ईएमआई वाला है। कितने लोगों को लग रहा है एमिनेंस मतलब पॉपुलरिटी आया था, रेज योर हैंड, ऑनेस्टली बता दो। मैंने पहले रेंज मारी एमिनेंस है, ये तो पॉपुलरिटी वाला, फिर आता कि नो 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 नो, तो ये तो एमिनेंट वाला है। आप ही लोग बताओ, ई एम आई एन ई एन सी ई। और सुनो, मैं आपको कन्फ्यूजिंग वर्ड्स यहीं पढ़ाऊंगा, रूट वर्ड्स यहीं पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी, होमोग्राफ्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स, राइट, वो सब टाइप्स ऑफ वोकैब पढ़ाऊंगा मैं आपको, रूट वर्ड्स भी होगा, और कन्फ्यूजन बुक अभी पहले पढ़ाई थी, मैं फिर से लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो ऐसे वर्ड्स, तो एमिनेंस ये होता है पॉपुलरिटी, सी इज़ अ एमिनेंट पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, पॉपुलर वाला। और ये वो एमिनेंस क्या है, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, कुछ होने वाला है, ओके, समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। तो कोई एक्टिविटी जो होने वाली होती है फ्यूचर में, वो ये होता है, आई डबल एम आई एन एन सी। डिफरेंस क्लियर, जल्दी बोलो, हेलो हेलो, डिफरेंस क्लियर? आरसी में भी ट्रिक होती है, शेख 70, ओके, एक बार देख लो, ठीक है। अभी आप हंस रहे हो सकता है आप स्माइल करो, हो सकता है आप थैंक यू फील करो, देख लेना चाहिए। ऑलराइट, कुछ ऐसी कहानियां हैं मेरे पास में जो यूनिक हैं, पूरे यूट्यूब पे किसी के पास नहीं है, तो क्या करें, आप देख लो, हो सकता है आप अपने भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, समझ गया ना, कोई यार दोस्त, किसी न किसी सबॉर्डिनेट, किसी ना किसी को गाइड कर दोगे आप भी, और ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे आप। सो ऑल द बेस्ट, जरूर ट्राई करना। तो आंसर कौन सा होगा,
अच्छा पटेल शैलेश, आपने ग्रामर देखा नहीं है तो आने वाला डेंजर ये वाला करेक्ट इम्पेंडिंग कमिंग। हाँ चलो नेक्स्ट देखो। हाँ LOUGS न्यू वर्ड फॉर यू। गाइज लाइक करते जाना सब लोग। तो आ लेक को हम लोग LOUGH बोलते हैं या फिर इसको LOCH भी बोलते हैं। तो LOUGH एक लेक होता है, एक एरिया समुंदर में एरिया या फिर कहीं पे भी जहाँ पे लैंड है चारों तरफ। कवर प्रभात निगम बस लिख दो यूट्यूब पे। ओके वोकैबुलरी नरेंद्र सर या फिर कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी नरेंद्र सर रूट वर्ड्स नरेंद्र सर इस तरह से लिख देना मिल जाएगा स्पेलिंग। चलो नेक्स्ट देखो डिसकलर 20। सर एक ग्रामर टॉपिक की स्पेशल क्लास कराओ तो पता चलेगा हम सबको। अच्छा क्या पता कर रहे हैं आपको, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स तो मैंने सेकंड्स में पढ़ा दिए, अब और क्या चेक करना है। बचा हुआ कोर्स है प्लस पे कर लो, बाकी मैंने यहाँ पे 500 एरर डिटेक्शन सीरीज पढ़ाया था वो देख लो। चलो ये क्विक्स तो हो गई, अब मैं आपसे थोड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछता हूँ एग्जाम वाले, है ना। चलो स्टेन लग गया, चलो यही कंटिन्यू करता हूँ। हिंड्रेंस न्यू क्विज आ गया। चलो गाइस बताओ हिंड्रेंस का। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ऑल राइट इट्स ऑल अबाउट बिलीव यू नो। इफ आई थिंक ऑफ हाईली ऑफ माई सेल्फ, अगर मैं सोचूं कि मैं बहुत 30 मार्क खाऊं तो फिर मेरा मैं कभी दूसरे की नॉलेज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तो इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस व्हेन वी आर मिसगाइडेड, तो हमारे साथ ये हो जाता है। तो फिर क्या है ना, नई नॉलेज के लिए फिर हमारा वो हमेशा के लिए रास्ता बंद हो जाता है। तो गाइज आप स्टूडेंट हो, आप ये गलती मत करना। बी ओपन टू न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू वे ऑफ लर्निंग। ऑलराइट सो ऑल द बेस्ट। हिंड्रेंस जल्दी से बताओ। हाँ ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखो टू डिलीवर एन एलोबोरेट और फॉर्मल पब्लिक स्पीच। ऑल राइट ऑल राइट। ऑलराइट हाँ ऑरेट तो आप जानते ही हो। अच्छा गजल का मतलब समझ रहे हो, इसका मीनिंग लिख लो, ये अच्छा वर्ड है आ सकता है काम में। ठीक है टू ईट ग्रीडली बहुत ज़्यादा ज़्यादा खाना। नॉर्मली आप एक दिन वाला लेके खाते हो बट अगर इतना इतना खा रहे हो दो मिनट के अंदर में या फिर हो सकता है 5 दिन बाद आपको खाना मिला तो बहुत ज़्यादा लालच के साथ में खाना खाएंगे ना। टू ईट ग्रीडली ग्रीड लालच। नेक्स्ट देखो ये तो हो गया टू सेंड ऑफ और कंसाइन एज टू एन ऑब्स्क्योर पोजीशन और रिमोट डेस्टिनेशन। ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप में आप आ जाओ। मैंने 5 सेशन का भेज दिया या 3 का भी भेज दूंगा मैं आपको। ऑल राइट
ठीक है, तो रेलीगेट का मतलब होता है या तो किसी चीज़ को आप छोड़ देना या फिर मतलब एक लोअर रैंक पे आ जाना, टू गो अवे उस सेंस में रहता है, टू सेंड ऑफ और कंसाइन एज टू ऑब्स्क्योर पोजीशन रिमोट डेस्टिनेशन, ठीक है, व्हेन इफ़ यू आर द सीईओ ऑफ द कंपनी देन आपको आपका डिमोशन हो जाता है अगर आप छोटे रैंक पे आ जाओ फिर से, ऑलराइट, रेलीगेट। नेक्स्ट देखो, प्रोफाउंड लेथार्जी। हे, लेथार्जी का मतलब जानते हो, थका हुआ, लैक ऑफ एनर्जी, ऑलराइट, टायर्ड, तो बहुत ज़्यादा थका हुआ वो इंसान को क्या बोलेंगे, एनीवन, सब लोग आ जाओ क्विकली, बहुत अच्छा वर्ड है, सब लोग लाइक कर रहा है ना भाई, लाइक कर देना, गाइस वीडियो चल रहा है दिखाई नहीं दे रहा, वीडियो इज फाइन, चेक करना, ओके ओके, थैंक यू। हाँ तो देखो, लेथार्जी, पहले लेथार्जी सबने लिख लिया, बहुत अच्छा वर्ड है, इसका एक सिनोनिम मैंने पढ़ाया था 2 दिन पहले, किसी को याद आ रहा है, लिस्टलेसनेस, याद करो, रेज योर हैंड इफ यू रिमेंबर, ये एग्जाम में आता है वाला, ओहो, ठीक है, LIST, लिस्टलेसनेस, ये बहुत एग्जाम में पूछा है, SSC CDS बैंक सारे किसी ने पूछा हुआ है, लिथार्जिक, ठीक है ना, तो ये STUPOR स्टुपर मतलब होता है ऑलमोस्ट लैक ऑफ एनर्जी और समबडी फेंट हो गया, बेहोश होने वाला सिचुएशन, कोई अगर बेहोश हो जाए तो, ऑलराइट, और ये कैल्विनाइज का मतलब होता है, ठीक है, एनर्जाइज कर देना, एक्टिव, टू मेक अ सिचुएशन एक्टिव, ये एक टाइप का ट्री होता है विद लॉन्ग ब्रांचेस मिला हुआ, लिस्टनेस, हाँ किसी ना किसी को तो याद आ रहा है, ऑलराइट, और लेटेंसी पीरियड होता है जहाँ पे कि कोई एक्टिविटी जब भी मतलब एक्टिव होती है उससे पहले का पीरियड, नॉट फुली डेवलप्ड, इसको लिख लो, नॉट फुली डेवलप्ड, नॉट कम्प्लीटली रेडी, तो हमें ये वाला चाहिए स्टॉपर, बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट देखो, प्री डेस्टिनेशन, हेलो, लैकडाइजिकल, बहुत ही अच्छा वर्ड है, एग्जाम में बहुत यूज़ होता है लैकडाइजिकल, ये जो प्रतीक्षा ने लिखा हुआ है, सब लोग इसको गाइज लिख लो, सब लोग लिख लो। नेक्स्ट, मेरी तरफ से शो नहीं कर रहा है नेट, तो प्री डेस्टिनेशन, पहले से ही प्लान कर दो कुछ भी चीज़, तो फोर मीन्स होता है आगे, ऑर्डिनेशन, पहले से ही डिटरमाइंड हो गए आप, यू प्लान्ड ऑलरेडी समथिंग, ये वाला एग्जाम्पल समझते हो ना, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ओके, डिजोनेंस का मतलब होता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, हाय, गुड नाइट, थैंक यू। नेक्स्ट देखो,
परप्लेक्सिटी, ये तो आप जानते होंगे, पजल्ड, कंफ्यूज्ड। आप चेक करो यहां पे क्या हो सकता है इसका मीनिंग। प्रमोद, हाय प्रमोद, वेलकम टू द क्लास। अब मैं आपको बड़े मीन बड़े वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जाम वाले। हाँ तो देखो, परप्लेक्सिटी जानते हो, कन्फ्यूजन, पजल्ड। तो देखो ये देखो, इंट्रिकेसी, इंट्रिकेट डिज़ाइन, मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग डिज़ाइन, कॉम्प्लेक्स। तो इसका लिख लो, कॉम्प्लेक्स, कन्फ्यूजिंग, परप्लेक्स। ऑल राइट, पार्सिमोनियस तो आप सभी जानते होगे ना, जो कम खर्चा करता है, STING। चलो STING, बहुत कम खर्चा रहता है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी देखो, सैल्यूटरी। तो चलो चलो पॉजिटिव वर्ड है, आओ। पैराफ्रेनेलिया पता है क्या होता है? किसी भी एक्टिविटी में यूज़ होने वाले छोटे छोटे आइटम्स। आप शूटिंग करने जा रहे हो एक गाने की, ठीक है ना, आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं या फिर डायरेक्टर हैं, और आपने छोटे 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 आइटम्स बहुत सारे इकट्ठे करोगे, और इक्विपमेंट, समझ गया? तो उसे हम बोलेंगे पैराफ्रेनेलिया। क्लियर? प्रभात निगम, इंग्लिश बाई नरेंद्र सर। ऑल राइट, चलो अब मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस पहले कराता हूँ, स्पेशल क्वेश्चंस। रेडी गाइस, रेडी फॉर द स्पेशल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न वोकैबुलरी फॉर योर मेंस लेवल एग्जाम, IPS मेंस, RBI मेंस, SBI, समझ गया, प्री मेंस, एनीथिंग। आई रेडी फॉर दैट? चलो उस पर हम लोग वापस में आएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा चैलेंज करता हूँ। यस, उसी पे बेस्ड है, वर्ड पावर मेड इजी पे बेस्ड ही ये वोकैबुलरी है, समझ गया? आर यू रेडी फॉर एवरीथिंग? आ जाओ, रीड करो। चलो मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, देखते सारे करेक्ट कितना करेगा। रमेश चतुर्वेदी, हाय रमेश जी, वेलकम टू क्लास। सुनो सब लोग, डिसिपेट का मतलब होता है, ठीक है ना, स्कैटर्ड हो जाना, गायब हो जाना, समझ गया? चलो अब चेक करो कि चूज द ऑप्शन विच द यूज वर्ड इनकरेक्ट, कहाँ पे गलत यूज़ हो रखा है डिसिपेट वर्ड। 1, 2, 3, 4 स्टोरीज हमारे पास में, सब लोग आ जाओ। अनुज यादव, कुछ नहीं है, जिस तरह से वो बुक लिखी हुई है वैसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दो आप, इन द सेम ऑर्डर। बताओ डिसअपीयर कौन सा वाला हो जाए इसमें से, डिसिपेट, डिसअपीयर, गायब। ये वाले वीडियोस देखते रहना आप डेली। द विंड फाइनली डिसिपेटेड द स्मोक, हवा की वजह से स्मोक डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया, ये तो करेक्ट है। The industrious people from Gujarat, industry जानते हो, industry वाले भी हो सकते हैं और hardworking भी हो सकते हैं। Hardworking people from Gujarat are dissipated over the whole of India. वो disappear कर देंगे? No, spread हैं वो, हर जगह फैले हुए हैं, और ये तो गायब कर रहा है, गलत कर रहा है। सबने भी पकड़ा? Hello, चलो। Industrious people, hardworking guys, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, दे आर एवरीवेयर, पटेल्स एंड ऑल,
एक ही नाम याद आ रहा है लेकिन जो भी लोग होंगे, वो ये कह रहा है कि वो गायब हो गए ऑल ओवर इंडिया में, ना ये उल्टा बोल रहा है, समझ गया। चलो, द यंग समटाइम्स सीम्स टू डिसिपेट देयर एनर्जी इन यूजलेस परस्यूट्स। आपके जैसे, हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को बेकार के काम में डिसिपेट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, गायब कर देते हैं। ऑल राइट, द डार्क क्लाउड्स विच थ्रेटन रेन फाइनली डिसिपेट, वो घने काले बादल गायब हो गए। चलो, ये वाला गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। नेक्स्ट देखो, हेलो हेलो एवरीवन, इवेंस इवेंस मीन शो अ फीलिंग अ क्वालिटी। ओके, मैंने आपको एक स्पीच दिया एंड द ऑडियंस इवेंस्ड द फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म। ओके, देशभक्ति की फीलिंग निकल के आई। इवेंस होना, टू गेट द फीलिंग, टू एक्सप्रेस द फीलिंग, टू शो द फीलिंग। आ जाओ सब लोग, कहां पे गलत है ये, क्विकली बताओ सब लोग। मुकेश कुमार ऑफिसर, हाय मुकेश, वेलकम टू क्लास। नॉर्मली 2 आवर का क्लास है, बट टुडे आई एम नॉट फीलिंग ओके, देखते कितना पढ़ाता हूं, लेकिन जल्दी से आ जाओ। ये न्यू पैटर्न क्वेश्चन है आप सबके लिए। अरे सॉरी, चेंज हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, चेंज हो गया। इवेंट्स पे आ जाओ, लाइक करते जाना सब लोग। हाँ, कुछ लोगों ने तो सही बोला है। यस, ये 10 क्वेश्चन है, देखते हैं कौन 10 सही कर सकता है, कितना लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है। डू यू एक्सेप्ट द चैलेंज? आओ, सी इवेंस्ड हर अप्रूवल बाय स्माइलिंग। ठीक है, तो मतलब शो, SHOW, इवेंस किया उसने, शी शोड, यू समझ लो। ओके, अप्रूवल करेक्ट है, शी इवेंस्ड अप्रूवल बाय स्माइलिंग, उसने स्माइल किया, जाइए। चलो, द मैन हु वॉज कॉट स्टीलिंग डिड नॉट इवेंस एनी रिमोर्स, बिल्कुल नहीं पछताया उसने, बिल्कुल पछताना बिल्कुल शो नहीं किया उसने, पछताने वाली बिल्कुल फीलिंग नहीं दिखाई उसने, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया, समझ गया। ये भी करेक्ट है, द प्रपोजल इवेंस्ड अ स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम द मेंबर्स, एक स्टॉर्म इवेंस कर दिया। नाउ द प्रपोजल क्रिएटेड अ स्टॉर्म, मे बी इट कुड बी एनीथिंग, राइटर क्या सोच रहा है अपने दिमाग में, ठीक है, कुछ और वर्ड हो सकता है, लेकिन इवेंस नहीं होगा यहाँ पे। सी डिड नॉट इवेंस द लीस्ट, सी डिड नॉट इवेंस द लीस्ट सरप्राइज एट सीइंग मी। ओके, फीलिंग फीलिंग एंड फीलिंग, और सी इज अबाउट एक्शन, क्लियर। हेलो, ये क्वेश्चन करने मजा आता है सबको। नेक्स्ट देखो, डिकॉय, एवरीवन, इसका मीनिंग बता दूं मैं, रामायण हम सबने देखी हुई है, सीता लक्ष्मण रेखा, रावण द बैड गाय, ठीक है, उसने सीता को डिकॉय किया था, समझ गया, सीता को अट्रैक्ट किया था दूर से, ल्योर LURE, अट्रैक्ट किया था, ट्रैप, ठीक है ना, उसको ट्रैप में फंसा दिया था, ये वो वर्ड है डिकॉय। कौन है, रजन कुमार, हाय वेलकम टू द क्लास। तो पूरी रामायण समझ में आ गई सबको, डिकॉय वर्ड से वो सीन याद करो जिसने रामायण देखी हुई है, कि सीता है येलो कपड़े पहने हुए, यहाँ पे ये एक लक्ष्मण रेखा है, वो वहाँ से बुला रहा है भिखारी बन के, समझ गया, तो उसने डिकॉय किया था, ट्रिक किया था, उसको ट्रैप किया था सीता को वहाँ से निकालने में, डिकॉय। चलो, क्या आंसर है,
हाँ कुछ लोग सी कर रहे हैं, चलो सही जा रहे हो आप लोग, आपका प्रिपरेशन अच्छा है. ही एक्टेड एज डिकॉय टू ड्रॉ द डॉग्स अटेंशन अवे फ्रॉम द चिल्ड्रेन, ट्रैप की तरह यूज करा उसने, सही जा रहा है. द पुलिस वूमेन एक्टेड एज अ डिकॉय, करेक्ट जा रहा है. द वर्ड ट्रैप वॉज एम्प्टी, ओके. एज ही हैड कॉट अ डिकॉय, ना 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 ना, यू कैन नॉट कॉट अरेस्ट अ डिकॉय, क्योंकि डिकॉय तो खुद में एक ट्रैप होता है, डिकॉय तो खुद में एक छिपी हुई चीज होती है, उसे आप कैसे पकड़ सकते हो. समझ गया, उल्टा हो गया, ये गलत है. दे यूज फ्लेयर्स टू डिकॉय एनिमी मिसाइल्स, फ्लेयर समझ रहे हो ना, उन्होंने आग यूज करी टू डिकॉय, हाइड करने के लिए एनिमी मिसाइल्स को. चलो अनिल यादव, हेलो वेलकम टू द क्लास. नेक्स्ट देखो, हे ये हरकत हम सब ने कर रखी है, एफ ई आई जी एन, फेन. पता है क्या होता है, वो वाला टाइम याद करो कि जब आप ऑफिस नहीं जाना चाहते हो, कहते हो हेडेक हो रहा है, ठीक है, ऑफिस से आपको बाहर मूवी देखने जाना है, आप योर फ्रेंड योर डेट वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, तो आप कहते हो पेट में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, वोमिट आ रही है, बेहोश हो रहा हूँ, घर जाना है, तो आप जो बहाना करते हो, यू प्रिटेंड टू बी सिक सो दैट यू कैन बी फ्री वर्ड. समझ गया, ये वो फेन है, एफ आई जी एन, प्रिटेंड करना, टू बी सिक, बीमार होने का बहाना. स्कूल जाते टाइम पे बचपन में किया था ना सबने, कितने लोगों ने किया था, रेज योर हैंड, कितने लोगों ने किया था. हेलो वेलकम टू द क्लास गाइस, हेलो. चलो, सी फेंड इलनेस टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी, ये तो सही है, उसने इलनेस को प्रिटेंड किया कि मैं बीमार हूं. चलो, द पॉलिटिशियन फेंड द अटेंशन ऑफ हिज लिसनर्स, नो, अटेंशन को हम लोग प्रिटेंड नहीं कर सकते, उसने तो अटेंशन को अट्रैक्ट किया, यही गलत है, यही गलत है. हाँ नहीं, यहाँ पे तो डाइवर्ट कर रहा है, अट्रैक्ट भी नहीं कर रहा, डाइवर्ट कर रहा है. रियल इशू कुछ था लेकिन पॉलिटिशियन ने लोगों का अटेंशन कहीं और डाइवर्ट कर दिया. समझ गया, चलो. A politician diverted the attention of a listener to non-controllable issues. छोटे मोटे issues पर लोगों का attention ले गया. On the phone, he found his sister's voice. उसने pretend किया कि मैं उसकी sister बोल रहा है, बोल रही है. चलो. She introduced me as her cousin and everyone feigned to believe. और सबने pretend करा कि हाँ हाँ उसकी cousin है. समझ गया, चलो. तो ये गलत था ये वाला. Next. Indictment. Quickly, ये तो अनिल यादव, डायरेक्शन ये है कि आपको गलत यूज पता करना है, इनकरेक्ट. इंडक्टमेंट होगा, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, क्रिमिनल स्टोरीज आती रहती हैं जब किसी को फॉर्मली एक्यूज किया जाता है कि हे यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, इंडक्टेड. ओके, आइए, फॉर्मली एक्यूज करना दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करना है. ओके, केस चलता है तो बताओ, चेक करो. सब लोग चेक करो, दे वर इंडिक्टेड फॉर कंस्पिरेसी एंड स्पेंट यर जेल, ये तो बिल्कुल सही है, जेल जा रहा है बंदा, तो इस पे तो चार्ज लगा है ना, एक्यूज हुआ ये बंदा, ठीक है, करेक्ट है, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला, ठीक है. इन बोस्निया, यूएस ट्रूप्स, यूएस आर्मी हैव यूजुअली डिक्लाइन टू टेक पार्ट इन द अरेस्ट ऑफ इंडिक्टेड वॉर क्रिमिनल्स, ये भी करेक्ट है, वॉर क्रिमिनल्स इंडिक्टेड, एक्यूज्ड. लास्ट वीक ही वॉज इंडिक्टेड बाई अ ग्रैंड जूरी, इसको भी फांसी हो गई, हैंग्ड टिल डेथ. ऑलराइट, द क्रिटिक्स हैव द राइट टू प्रेज और इंडिक्ट, प्रतीक्षा गलत, क्रिटिसाइज. अच्छा, एक वर्ड होता है हमारा यहां पे, सेंस्योर, सी ओ हो सेंस्योर, ठीक है, सी ओ हो, सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा
माई स्मार्ट बोर्ड इज एक्टिंग आउट, CENSURE, तो NDA चाहिए। क्रिटिसाइज करना, घोर संकट। हेलो, वेलकम टू द क्लास, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तो क्रिटिक्स हैव द राइट टू प्रेज, जो क्रिटिक्स होते हैं ना, मूवी क्रिटिक्स होते हैं, आजकल हर कोई क्रिटिक्स बन गया है, तो वो फॉर्मली एक्यूज कर सकते हैं क्या किसी को? नाउ वो कोर्ट में जाके थोड़ी कहते हैं तुमने, अक्षय कुमार ने बहुत घटिया एक्टिंग की है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम तुमको जेल करा देंगे, सलमान खान ने ओवर एक्टिंग की है। तो इसके लिए कोई जेल नहीं करता है, क्रिटिसाइज करते हैं, समझ गया? तो ये इंडिक्ट गलत वर्ड है। चलो, क्लियर हो गया? तो यही गलत है, बाकी ऑल आर करेक्ट यूसेस। नेक्स्ट देखो, रैम्बल। रैम्बल के कई सारे मीनिंग होते हैं, वैसे स्पीच के लिए और राइट रिटन टेक्स्ट के लिए भी आता है। रैम्बल मतलब टू टॉक इन अ वे दैट इज नॉट क्लियर। सपोज इफ आई एम टीचिंग राइट नाउ, इफ आई टॉक समथिंग एंड इट्स नॉट क्लियर टू यू, ओके, ऑल कन्फ्यूजिंग, आई एम रैम्बलिंग, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझ गए? तो वो रैम्बलिंग हो जाएगा, टू राइट और टू स्पीक, ठीक है ना, विच इज नॉट क्लियर, रैम्बल। हेलो राज मिश्रा, हाई, वेलकम टू द क्लास। ऑलराइट, अच्छा रैम्बल का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, आपने है ना वॉक सुना होगा, स्ट्रॉल सुना है, STROL, डबल एल होता है शायद स्ट्रॉल, हाँ स्ट्रॉल। प्लेजर के लिए वॉक लेने जाते हैं, शाम को आप निकल जाते हो मेहता जी मिश्रा जी और मौसम अच्छा है, लोग वॉक करते हैं ना शाम को ऐसे ही प्लेजर के लिए, उसे स्ट्रॉलिंग बोलते हैं, रैम्बल भी होता है वही। चलो नेक्स्ट, तो बताओ श्योर ये वर्ड कहानियों से याद रहेंगे, चलो चलो चलो, गलत कर दिया भाई आपने, नेहा ने सही किया है, नेहा कुमारी, कीप इट अप। चलो, वेयर वुड अमेरिकन सिनेमा बी विदाउट द कार रैम्बल और द रोड मूवी, ठीक है? अब कार, ठीक है ना, कार रंबल हो सकती है, कचरा हो सकता है, आर यू एम बी एल ई, या फिर इट कुड बी एनीथिंग। वॉक की बात हो रही है, नाउ टू टॉक एट लेंथ, नाउ। चलो, गलत है हमारा। सुधा यादव, हाय सुधा, वेलकम टू द क्लास, गुड इवनिंग। महेश पांडे, हाय महेश, हाउ आर यू? ठीक है, रैम्बल नहीं, रंबल हो सकता है। चलो इधर देखो, अवॉइड लॉन्ग रंबलिंग सेंटेंसेस, करेक्ट। वी हैव टोर्स टू सूट ऑल लेवल्स ऑफ एबिलिटी फ्रॉम ए जेंटल रंबल, ठीक है? अब आप है ना अपनी आफ्टर मैरिज आप जाते हो अपने, आप SBI PO बन गए हो, बैंकर बाबू बन गए हो, आपका अच्छा शादी होता है बहुत, ठीक है, उसके बाद आप अपना जाते हो हनीमून पे, फिर आपको बहुत सारे पैकेज देने वाले लोग मिल जाएंगे, हनीमून पैकेज। तो सर वी हैव अ स्पेशल पैकेज फॉर यू, ओके, वे आर यू कैन हैव अ जेंटल रैम्बल, ठीक है ना, एट द बीच मिडनाइट, आपका मून दैट मून और आपका मून होल्डिंग हैंड्स, अ जेंटल रैम्बल वॉक, समझ गए? आप सपना देख लिया है तो पढ़ो आराम से, ठीक। चलो जी, ये करेक्ट, ये वॉकिंग की बात कर रहा है, ये टेक्स्ट की बात कर रहा है। चलो इधर आ जाओ, द इंटरनेट फॉरम गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू रैम्बल ऑन अ बिट, रैम्बल ऑन समझ गए कि नहीं, लोग बात करते एक्स्ट्रा। चलो, तो ये वाला गलत है, वेयर वुड अमेरिकन सिनेमा बी विदाउट द कार रंबल, ऑलराइट, और द रोड मूवी। नेक्स्ट देखो, ट्रांजिट, 30 नंबर देखो, घोर संकट, चलो ऑसम।
आ जाओ ट्रांजिट, ये न्यू पैटर्न क्वेश्चन है आप सबके लिए, ठीक है, सब लोग देख लिया करो। अच्छा ट्रांजिट तो समझते हो ना कि एक टू 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 पास थ्रो टू वॉक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना ट्रांजिट होता है, इंटरनेशनल ट्रांजिट होता है, याद है ना, जो ट्रैवल करते हैं, जिन्होंने ट्रैवल किया होगा एयरपोर्ट पे, दे नो दिस स्टोरी। ऑलराइट, हे गाइस, इफ़ यू आर इनटू हॉलीवुड मूवीज़ या टॉम हैंक्स आपको पसंद है, फॉरेस्ट गंप जिसका मूवी है, उसी का आमिर खान एक मूवी बना रहा है अभी, तो उसकी एक मूवी है, ठीक है ना, उसको ज़रूर देखना। इधर आ जाओ, हाँ, नो आइडिया, कोई बात नहीं, टॉम हैंक्स का मूवी, एयरपोर्ट पे है वो ट्रांजिट के लिए, द टर्मिनल मूवी का नाम है, द टर्मिनल, इफ़ यू आर टॉम हैंक फैन ना तो द टर्मिनल मूवी देखना, इट्स कॉमेडी मूवी, यू विल लव इट। एक एयरपोर्ट पे एक ऐसा एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे मतलब किसी भी देश का नेशनलिटी नहीं लगता है, वहाँ पे कोई भी रह सकता है, वो बंदा एयरपोर्ट पे एक साल तक रहता है, समझ गए, क्योंकि उसका वीज़ा का इशू हो जाता है। ऑलराइट, द टर्मिनल, किसी ने देखा है मूवी द टर्मिनल? बहुत सारे लोग सी कर रहे हैं, ठीक है। स्नेह शास्त्री, वंडरफुल, कैसा मूवी है, आई टोटली लव्ड इट, आई हैव वॉच्ड इट 2-3 times। ऑलराइट, हेलो अशोक शर्मा, हेलो, इलेक्ट्रिक कार्स आर नाइस आइडिया, कार्स आर नाइस आइडिया बट दे वोंट वर्क फॉर मास ट्रांजिट, करेक्ट, पैसेंजर होल्डिंग ए डायरेक्ट अदर साइड ट्रांजिट, करेक्ट, द ट्रांजिट ऑफ द प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांजिट नहीं होगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, समझेगा ना, तो कहाँ ट्रांसफर करनी है पता है ना, चलो ट्रांसफर, हेयर द वर्ड ट्रांजिट हैज बीन यूज इनकरेक्टली, मुंबई एंड दिल्ली आर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, प्लेकेट, अशोक शर्मा, हाय, वेलकम टू द क्लास, ये तो मैंने बार बार पढ़ाया हुआ है, ओम शांति, समझा कि नहीं, प्लेकेट शांत कर देना, कोई गुस्सा है उसको प्लेकेट कर दिया, काम रिलैक्स कर दिया। ऑलराइट, चलो बताओ कहाँ होगा ये, आकांक्षा कुमारी, हाय आकांक्षा, वेलकम टू द क्लास, गाइस वीडियो लाइक कर देना और सबके साथ शेयर कर दिया करो। पेसिफाई, शांति, करिश्मा जैन, हाय करिश्मा, वेलकम टू द क्लास, दोज गाइज, ओके सॉरी, इधर आ जाता हूँ, दोज गाइज हु आर वॉचिंग माई वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम, गो टू द प्ले लिस्ट, ओके, गो टू माई प्ले लिस्ट, अनअकैडमी स्टूडियो वॉच दिस चैनल, एंड देयर इज अ प्ले लिस्ट न्यू पैटर्न इंग्लिश नरेंद्र सर, नरेंद्र कुमार, ठीक है, मेक श्योर यू वॉच फर्स्ट 40 वीडियोज, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू, गो एंड वॉच। यस क्रिश, मैंने वही बता रहा हूँ, ठीक है, सबको पता चल गया, अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो लिख लो अपनी कॉपी पे, दीवार पे, पेन पेपर, कहाँ बैठे हो वहीं लिख लो, इंग्लिश नरेन सर यूट्यूब, इतना सर्च कर सकते हो आप लोग, जो वीडियो आए उसी प्लेलिस्ट में चले जाना, और जिस वीडियो के ऊपर ट्रिक्स लिखा हो, ऑड वन आउट ट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रिक्स, रीडिंग कॉम्पिटिशन ट्रिक्स, जरूर देखना, ऑल द बेस्ट, इट्स अ गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा भाई लोग, अब क्या होगा, चलो बात करते हैं, द रेगुलेशंस इम्पोज इन द बेस्ट टू प्लेकेट इन्वायरमेंटल अपोजिशन, इन्वायरमेंट वाले अपोजिशन कर रहे हैं तो उनको शांति करने के लिए, बैठ जाइए बैठ जाइए, ओम शांति, समझ गया, तो ये प्लेकेट, ये तो करेक्ट यूज हुआ है, हाँ, रेगुलेशंस इम्पोज इन द बेस्ट, द फैक्ट्स आर इनकरेक्ट एंड दे हैव प्लेकेटेड मेंबर्स। एक बात बताओ, मैं आपको गलत फैक्ट्स दूं
तो आप प्लेकेट होगे या फिर आग लगा दोगे, यू नो द आंसर राइट। तो प्लेकेट यहाँ पे गलत है, उनको गुस्सा कर देंगे, ठीक है ना, मेंबर्स गुस्सा हो जाएंगे। इफ़ यू टेल देम इनकरेक्ट डाटा दे विल बी सर अप ऑलराइट, ये गलत है, द फैक्ट्स आर इनकरेक्ट एंड दे हैव एंगर्ड मेंबर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द कंट्री, ऑलराइट, ऑफेंडेड एंगर्ड कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ओ लगता है गाइस वीडियो सही चल रहा है क्या? नो अच्छा वीडियो प्रॉब्लम आ रहा है। अनिल यादव हाँ हाँ अशोक शर्मा यस श्योर अब बात करना। हाय गाइस देयर इज अ लाइक टेक्निकल इशू आई गेस सो प्लीज़ रिफ्रेश। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आई होप अगर हो जाए फिर हम लोग वीडियो एंड कर देते हैं। नॉर्मली ये 2 आवर का क्लास होता है लेकिन ठीक है बार बार इशू आ रहा है, चलो बट आई विल मेक श्योर कि मैं आपको सारी कहानियाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है। 12 बजे इसी चैनल पर मेरा क्या होता है नॉन स्टॉप ग्रामर होता है। कल मैं लाइव आऊँगा, संडे को मैं लाइव रहने वाला हूँ, ठीक है, चलो बी लाइव, चलो। सो ये गलत था हमारा। हाउएवर ही स्टेटमेंट डिड लिटिल टू प्लेकेट, उसके स्टेटमेंट से कोई शांति नहीं हुई, चलो। द गवर्नमेंट हैज़ अ ग्रेटर इम्परेटिव टू प्लेकेट द फार्मिंग लॉबी, अब जो फार्मिंग किसान मुक्ति मोर्चा होता है ना किसान मोर्चा, उनको शांत करने की बात हो रही है, चलो। तो ये वाला गलत था बस। नेक्स्ट वन लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज, एबडिकेट। गौर संकट थैंक यू भाई, ठीक है गौर संकट, आपने मेरे वो वीडियोस देखे ना पुराने वाले, शायद तभी आप बोल रहे हो, लेकिन फिर भी आप पुराने बंदे हो, सारे वीडियोस देखना, न्यू पैटर्न इंग्लिश वाला प्लेलिस्ट जरूर देखना, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पे फ्री वीडियोस नहीं देखना चाहते हो तो देन प्लस पे आ जाना, प्लस कोर्स पे आ जाना। कल 12 बजे क्लास है, ठीक है गाइज, आज थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया, सॉरी। एबडिकेट एक बार देख लेते हैं, अगर ये चल रहा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हाँ सर मुझे आपसे बात करनी है, यस यस टेलीग्राम ज्वाइन करो, प्लीज़ राइट माय टेलीग्राम चैनल नेम इंग्लिश बाय नरेंद्र सर, ज्वाइन कर लो, उधर आ जाओ। एबडिकेट जानते हो, अपनी थ्रोन द किंग रिनाउंस हिज थ्रोन हर थ्रोन द क्वीन, समझ गया। तो जब अपनी कोई गद्दी छोड़ देता है, ठीक है ऑल राइट, तो उसे एबडिकेट बोलते हैं। बताओ कहाँ गलत है ये? यस 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 गौर संकट आ जाओ भाई, फिर आप तो वेट मत करो, आ जाओ प्लस पे, फिर ये जो हमारा है ना टाइम अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाएगा, उन 2 घंटों में आउटपुट बहुत ज़्यादा आएगा। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, अगर आप तक बात आ जाए तो ठीक है, बता देता हूँ मैं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट गाइज, इफ इट इज वर्किंग जल्दी से बता देता हूँ। पीपल हैव डिसाइड टू आस्क द किंग टू एबडिकेट, करेक्ट, राजा को बोला है गद्दी छोड़ दो, ठीक है। वी कैन नॉट एबडिकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम छोड़ नहीं सकते, सॉरी, अब हम SBI PO बन के ही छोड़ेंगे, RBI बन के ही छोड़ेंगे। आई कैन नॉट एबडिकेट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प माई पेरेंट्स माई फैमिली, ऑलराइट। आर पीपल हैव ऑप्टेड फॉर डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ फ्रॉम विच वी विल नॉट एबडिकेट, ओके, हम कभी इस डेमोक्रेसी को नहीं छोड़ेंगे, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। पीपल वंडर वेदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स विल एबडिकेट द रोल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन,
ठीक है, तो रिप्लेस मे बी, लेकिन एब्डिकेट नहीं होगा, समझ गया? रिप्लेस हो सकता है, जो ह्यूमन ब्रेन का जो रोल होता है, क्या उसे वो रिप्लेस कर देगा? सुधा यादव आप डेली आना, ठीक है? पीपल वंडर वेदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स विल रिप्लेस द रोल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का जो काम होता है क्या कंप्यूटर उसे रिप्लेस कर देंगे? कुछ और वर्ड हो सकता है, बट एब्डिकेट नहीं होगा। एब्डिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, ना करा है ये, अपना काम ही नहीं करता है। ओके गाइज, क्विक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक घंटे का सेशन रखते हैं, आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है ये मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। न्यू गाइज, सर्च न्यू पैटर्न इंग्लिश नरेन सर, इंग्लिश नरेन सर कुछ भी सर्च कर लो यूट्यूब पे, और ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लो, समझ गया? और वहाँ पे जा करके आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एक प्लेलिस्ट मिलेगा न्यू पैटर्न इंग्लिश नरेन सर, उसके फर्स्ट 40 वीडियोस ख़त्म कर देना, जब वो फर्स्ट वीडियोस ख़त्म हो जाए उसके बाद आप पैट कोर्स पे आ जाना, ये वाला नरेन लाइव, जब नरेन लाइव कूपन कोड लगाओगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है गाइज? ऑल द बेस्ट। इंग्लिश का श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन है यहाँ पे, वो भी यू विल फॉल इन लव, फॉरगेट अबाउट सॉल्यूशन, लेकिन ट्रस्ट जरूर करना, और आप चैंपियन हो तब भी वॉच करो, और ज़्यादा चैंपियन बन जाओगे, समझ गया? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, लाइक का शेयर कर देना गाइज़।